ऑपरेशन के बाद ये मेरी पहली सुबह है गुलशन इकबाल में। पूरी रात इसी तरह सोता रहा मैं लेट कर, और लेफ्ट राइट नहीं सो सकता। फाइनली सुबह हो ही गया और ये टाइम था जो नाक पर जो बैंडेज लगे हुए उसको उतारने का, तो सुबह सुबह यही उतार रहे हैं। वैसे तो इसको रिमूव करने के लिए हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए था, लेकिन ये वही डॉक्टर्स हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो हमें दोबारा हॉस्पिटल की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, घर पर ही हम उसको रिमूव कर रहे हैं। बैंडेज रिमूव करने के बाद अभी हम जा रहे हैं करौंगी की तरफ। अतुल्ला भाई ने बहुत कुछ समझाया, रास्ते में बहुत कुछ बताया, लेकिन मुझे एक ही चीज़ समझ आया, कारसाज जहाँ पे बेनज़ीर को शहीद किया गया था, जो कि अभी मेरी लेफ्ट साइड पर है, आगे जाके आपको पूरा नज़र आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कारसाज को। ये वो जगह जहाँ पे बेनज़ीर को शहीद किया गया था। शाहरा फैसल मैंने आज तक सोशल मीडिया पे देखा था, आज लाइव देख रहा हूँ। ये शाहरा फैसल कराची, इसको नाम सुना था शाहरा फैसल कराची भाई को यहाँ पे करते हैं गुड बाय, और आगे जाके मेरा काम है 5 दिन सोना रेस्ट करना है, तो मिलते हैं 5 दिनों बाद। तो नाज़रीन ये पहुँच गया अभी मैं घर। हॉस्पिटल के लिए सो के थक गया जब पूरा 5 दिन टेस्ट लगे अंदर, अभी इसको निकालना है, चेकअप करके निकालना है। आज बर्थडे पार्टी भी है तो वो भी एंजॉय करेंगे हॉस्पिटल में। ऑपरेशन के जितना दर्द उस वक्त नहीं होता जितना आज हुआ है, ऐसे खींच दिया ना कसम से, सोच से भी ज़्यादा। अभी चक्कर बुखार हो रहा है, अब बुखार चढ़ गया, तो मिलते हैं करौंगी में।